controlled repetition. तो हम इसके लिए एक नया एग्जांपल लेते हैं, नया उदाहरण लेते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो हमने एक फिर से एल्गोरिथम लिखी है और ये एल्गोरिथम क्लास एवरेज निकालती है, जैसे पिछले एल्गोरिथम निकाल रही थी, ये एल्गोरिथम भी क्लास एवरेज निकाल रही है. लेकिन यहाँ पर कंट्रोल इस तरह से नहीं है कि 10 इनपुट्स देने हैं, यहाँ पर लूपिंग सेंसिनल है. सेंसिनल है, अब सेंसिनल का क्या मतलब वो देखेंगे. इसमें भी पिछले की तरह पहले हमने इनिशियलाइज किया टोटल को 0, काउंटर को 0. पिछली बार काउंटर को 1 किया था, यहाँ काउंटर को 0 किया है, देखते हैं क्यों किया. बाद में हम यहाँ पर कर रहे हैं कंट्रोलिंग लूप वेरिएबल वैल्यू, कि यहाँ लूप में कुछ वेरिएबल है जिस पे कंडीशन लगाएंगे और ये कब तक ये लूपिंग चलती रहे. तो वो कंडीशन लगाएंगे वो कुछ उस तरह की होगी कि उसको एक स्पेशल वैल्यू मिलते ही वो टर्मिनेट हो जाए, वो लूप के बाहर आ जाए, ये लूपिंग बंद हो जाए. और उसको हम बोलेंगे कि जो स्पेशल जो सिग्नल जो दे रहे हैं उसको बोलेंगे सेंसिनल वैल्यू. उसको सिग्नल वैल्यू या डमी वैल्यू या फ्लैग वैल्यू भी बोलते हैं. ये सेंसिनल वैल्यू जो है, जिसको फ्लैग वैल्यू या डमी वैल्यू या सिग्नल वैल्यू या फ्लैग वैल्यू जो भी कह रहे हैं, ये जहाँ यूज होती है उसको सेंसिनल कंट्रोल्ड लूप कहते हैं. और ये जो भी हम डाटा एंट्री करेंगे उस पर डिपेंडेंट कुछ वैल्यू होगी उससे निर्धारित हम करेंगे. ये जो सेंसिनल कंट्रोल्ड रिपीटेशन है इसको इंडेफिनेट रिपीटेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें ये कितनी बार रिपीट होगा ये हमें पहले से पता नहीं होता है. ये कितनी बार ये एक्शंस परफॉर्म करेगा हमें पहले से पता नहीं होता. ये जो सेंसिनल कंट्रोल रिपीटेशन है वो सेंसिनल वैल्यू पे डिपेंड करता है. और जो सेंसिनल वैल्यू जो हम चूज करते हैं, जो सेलेक्ट करते हैं, हम वैल्यू लेते हैं, वो किसी एक्सेप्टेबल वैल्यू से के साथ कन्फ्यूजन वाली नहीं होनी चाहिए. जैसे हम कुछ वैल्यू ऐसी ले लें, जैसे किसी का एवरेज लेना है हमें, कुछ नंबर्स का, कुछ पॉजिटिव नंबर्स का एवरेज लेना है, तो हम कोई नेगेटिव नंबर ले सकते हैं सेंसिनल वैल्यू के रूप में. लेकिन यदि नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेके उनका एवरेज निकालना है तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव कोई वैल्यू भी तो हो सकती है. तो इस एल्गोरिथम को थोड़ा बड़ा करके लिख लिया. अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं. यहाँ कंडीशन में सेंसिनल नॉट एंटर्ड ही लिख दिया है, यहाँ दूसरी कंडीशन लगा दी है जो फॉल्स होने पर नो ग्रेड एंटर्ड प्रिंट कर देगी, ट्रू होने पर ये कर देगा. तो ये हमने जो भी एल्गोरिथम थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट बना लिया है. अब एल्गोरिथम को उठा देते हैं. ये जो सेंसिनल वैल्यू है उसको मैं यहाँ चेंज करके कर रहा हूँ. जैसे यहाँ रीड ग्रेड की थी तो ग्रेड नॉट इक्वल टू -1. अब ग्रेड नॉट इक्वल टू -1, जो ग्रेड की वैल्यू -1 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा. ग्रेड की वैल्यू -1 नहीं है तो ये ट्रू है. अब ग्रेड में तो कोई मार्क्स हैं, मार्क्स नॉर्मली क्विज में मार्क्स नेगेटिव नहीं होते. यदि नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो हम इस तरह की सेंसिनल वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि हो सकता है किसी को नेगेटिव ग्रेड मिली हो. इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रोग्राम भी लिखा है, ये प्रोग्राम शायद दिखाई नहीं दे रहा है, इसको जूम करके देखते हैं. जूम करके ये सब कुछ मिक्सअप हो रहा है, सारे कमेंट्स हटा लेते हैं.
अभी भी मिक्सअप हो रहा है, चलो देखते हैं। स्टार्ट स्टार्टिंग पॉइंट को इससे डिनोट कर रहे हैं प्रोग्राम में, बाद में टोटल इक्वल टू जीरो, काउंटर इक्वल टू जीरो इससे डिनोट कर रहे हैं, बाद में स्कैन एफ इससे रीड स्टेटमेंट से कर रहे हैं, वाहिल इस कंडीशन से डिनोट कर रहे हैं, बाद में वाहिल में ट्रू मिलता है तो ये टोटल और काउंटर में एडिशन इससे डिनोट कर रहे हैं, बाद में पूरा यदि देखा जाए तो ये लूपिंग इससे डिनोट कर रहे हैं जो वाहिल लूप है, उसके बाद में इफ काउंटर नॉट इक्वल टू जीरो वाला यहाँ पर है, यदि इफ का इफ के अंदर इसको यस मिलता है तो वो यहाँ पर लिखा है, और इस तरह से पूरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर लिखा है जिसका ये आउटपुट है यहाँ पर। इसमें प्रोग्राम में हमने जो प्रॉम्प्ट दिया वो दिया एंटर ग्रेड माइनस वन टू एंड, मतलब यहाँ पर प्रिंट हो रहा है एंटर ग्रेड माइन कोमा माइनस वन टू एंड, मतलब यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस है, प्रॉम्प्ट है कि आप अपनी ग्रेड दो, यदि ग्रेड पूरी हो गई है तो माइनस वन इनपुट में दे दो। तो यहाँ जैसे पहले 88, 83, 65, 71, 88, 96, 93, 76 ये वैल्यूज दी, बाद में माइनस वन दे दिया और इसने क्लास एवरेज प्रिंट कर दिया। ये किस तरह से कर रहा है, तो यहाँ पर क्या क्या लिया, पहले अनसाइंड इंट काउंटर लिया है, तो ये एक काउंटर है, काउंटर मतलब यहाँ एक वेरिएबल नेम है काउंटर जो काउंट करने के काम में ले रहे हैं। नॉर्मली हम आइडेंटिफायर का जो नाम लेते हैं, आइडेंटिफायर की जो वैल्यू लेते हैं वो वैल्यू इस तरह से, जो आइडेंटिफायर का आइडेंटिफायर लेते हैं वो उस तरह से लेते हैं कि वो अपने नाम से ही समझा जा सके, उसको उस आइडेंटिफायर में क्या वर्डिंग्स लिखी उससे समझ सकें। तो काउंटर मतलब हम कुछ काउंट कर रहे हैं और कुछ गिन रहे हैं, कुछ काउंट कर रहे हैं तो उसको काउंटर नाम लिख दिया है, आप चाहो तो कुछ और नाम लिख सकते हो यहाँ। सो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है नॉर्मली, यहाँ जीरो भी कर सकते हैं हालांकि वॉल नंबर कह सकते हैं, तो वो काउंटेबल नंबर होना चाहिए, वो जीरो या जीरो से बड़ी कोई पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 होना चाहिए। तो नेगेटिव नंबर हम नहीं लेना चाहते इसलिए उसको अनसाइंड इंट कर दिया, अनसाइंड इंट मतलब ये अब नेगेटिव नहीं है। उसके बाद में हमने ग्रेड और टोटल को डिक्लेयर किया, इनको भी इंटीजर के रूप में डिक्लेयर कर दिया, ये दोनों आइडेंटिफायर हैं और हमें इनकी बाद में कहीं नीचे प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ रही है इसलिए हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया एवरेज, और उसको इंटीजर नहीं उसको फ्लोट डिक्लेयर किया है। फ्लोट एक डाटा टाइप है जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद में भी हमें वैल्यू देता है, मतलब जिसको हम रियल नंबर कहते हैं वो यहाँ सी प्रोग्रामिंग फ्लोट के रूप में हम लिखेंगे, और उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और ये जो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन है इसको डेसिमल पॉइंट के बाद में ये वैल्यूज हमें देता है। नेक्स्ट है, हमने नीचे प्रोग्राम में लिखा एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन काउंटर। तो जब हम दो इंटीजर्स में कैलकुलेशन करते हैं, दो इंटीजर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें आउटपुट भी इंटीजर मिलता है, तो टोटल अपॉन काउंटर लिखेंगे तो टोटल में काउंटर का भाग देगा, और टोटल भी इंटीजर है काउंटर भी इंटीजर है, जैसे हम 50 में 40 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, 10 शेषफल होगा, और क्योंकि इंटीजर्स हैं तो ये इंटीजर पार्ट लेगा। यदि हम कंसिडर करें पॉइंट के बाद वाले पॉइंट्स तो उनको वो इग्नोर कर देगा, मतलब जैसे मैं 50 में 3 का, तो 3 का भाग देने पर आउटपुट आता है 16.6667, लेकिन ये 16 ही देगा, ये उसको राउंड ऑफ भी नहीं करता है, क्योंकि ये इंटीजर्स का भाग देने पर जैसे 50 में 3 का भाग दे रहे हैं तो 16 बार भाग जाता है, 2 शेषफल रहता है, तो ये भागफल क्या है वो ही दिखाएगा इंटीजर के रूप में, जो वही वैल्यू रहेगा। यदि हमने एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन काउंटर किया है, मतलब 50/3 कर दिया है, तो एवरेज की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन में कुछ गलती कर बैठेंगे, ऐसी गलती से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको
इस कैलकुलेशन को फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन बनाने के लिए जो इंटीजर वैल्यू है, जो इंटीजर है उसको टेम्परेरीली फ्लोट बना सकते हैं, रियल नंबर बना सकते हैं, और उसके लिए हम उसको टोटल लिखने की बजाय पहले ब्रैकेट में फ्लोट लिख दिया है। तो ये एक यूनरी कास्ट ऑपरेटर, इसको कास्ट ऑपरेटर कहते हैं, जो एक डाटा टाइप को पैरेंथेसिस में लिख देते हैं, छोटे कोष्टक में लिख देते हैं, इसको कास्ट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे हमने यहाँ फ्लोट को पैरेंथेसिस में लिख दिया है, और ये क्या करता है, अब जो यहाँ लिखा है टोटल, अब टोटल अकेला नहीं है, ये फ्लोट टोटल हो गया है, मतलब टोटल की जो वैल्यू है उसको फ्लोट मान के ये कंसिडर कर रहा है। अब उसमें हम काउंटर का भाग देंगे तो हमें फ्लोट वैल्यू मिलेगी। तो ये जो कास्ट ऑपरेटर जो परफॉर्मेंस यहाँ कर रहा है, उस जो कास्ट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है, ये उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब टोटल को, टोटल जो वेरिएबल है वो इंटीजर ही रहेगा, यहाँ पर टोटल की जो वैल्यू है एज ए फ्लोट वैल्यू, रियल वैल्यू काम करेगी। और जो कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की जो कैलकुलेशंस करते हैं वो आइडेंटिकल डाटा टाइप्स की करते हैं, एक जैसे जो डाटा टाइप हैं उन्हीं की करते हैं। और अब हम देखते हैं ये कास्ट ऑपरेटर्स आर अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ डाटा टाइप्स। तो सी प्रोग्रामिंग जैसे इंट, फ्लोट जो भी हैं, डबल, लॉन्ग, उनके लिए, मोस्ट ऑफ के लिए इस तरह के कास्ट ऑपरेटर्स अवेलेबल है, मतलब उनको पैरेंथेसिस में लिख दो तो वो अपना काम कर देते हैं। और ये का बनाने का तरीका है कि उसके दोनों तरफ पैरेंथेसिस में डाल दो। द कास्ट ऑपरेटर, जो कास्ट ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर, मतलब वन साइडेड ऑपरेटर, जैसे जोड़ना घटाना ये बाइनरी ऑपरेटर, दो पे ऑपरेट होते हैं, ये कास्ट ऑपरेटर ये एक पे ऑपरेट होता है, जैसे यहाँ पर ये टोटल पे ऑपरेट हो रहा है। और यूनरी ऑपरेटर है इसका मतलब वो एक ही ऑपरेंड लेगा, मतलब यहाँ ये जो कास्ट ऑपरेटर है उस वो टोटल पे ऑपरेट हो रहा है, मतलब एक ही ऑपरेंड है। और इस तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, कास्ट ऑपरेटर्स एसोसिएट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड हैव द सेम प्रेसिडेंस एज अदर्स यूनरी ऑपरेटर्स सच एज यूनरी प्लस एंड माइनस, दिस प्रेसिडेंस इज वन लेवल हायर देन मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये जैसे प्लस और माइनस यूनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, कोई नंबर है जैसे माइनस फाइव तो कैसे लिखेंगे, माइनस आगे फाइव, तो प्लस फाइव या माइनस फाइव इस तरह से हम लिखें, तो ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताने के लिए। इसी तरह से ये जो कास्ट ऑपरेटर है ये भी यूनरी ऑपरेटर है, और ये राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होता है, मतलब पहले राइट में राइट साइड में क्या लिखा हुआ है उस वेरिएबल को देखता है, उसके बाद उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाता है। मतलब लेफ्ट साइड में यदि हमने प्लस लिखा है तो वो नंबर पॉजिटिव है, माइनस लिखा है तो वो नेगेटिव है। इसी तरह से राइट साइड में जो नंबर लिखा है उसके लेफ्ट साइड में हमने कोई कास्ट ऑपरेटर लिख दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाता है। और इनकी प्रेसिडेंस, इनकी वरीयता जो है वो जोड़ भाग, गुणा भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो शेषफल है उनसे ज़्यादा होती है, मतलब पहले इनका एवोल्यूशन होता है, कास्ट ऑपरेटर या जो भी ये यूनरी ऑपरेटर है उनका एवोल्यूशन होता है, उनको वरीयता जी दी जाती है, पहले उनकी अनुसार कैलकुलेशन होती है, उसके बाद में जो भी गुणा भाग है वो होगा। आगे यहाँ पर प्रिंट करते समय जो कन्वर्जन स्पेसिफायर है वो परसेंटेज 0.2f लिखा है, यहाँ पर 0.2f का मतलब है जो रियल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद में दो डिजिट तक आउटपुट प्रिंट होगा। यदि हम ये प्रिसीजन नहीं देते हैं, ये 0.2 यहाँ नहीं लिखते, सीधा परसेंटेज आप लिख देते तो ये प्रिसीजन 6 का यूज करता है, मतलब दशमलव के बाद में, पॉइंट के बाद में 6 डिजिट्स तक प्रिंट करता है। और जब ये फ्लोटिंग पॉइंट है ये हम प्रिसीजन के साथ यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ 0.2 किया है, 0.2f किया है, तो पॉइंट के बाद में दो डिजिट तक प्रिंट करेगा, तीसरी डिजिट है उसको राउंड ऑफ कर देगा,
राउंड ऑफ मतलब जो भी उसके रूल्स हैं, पाँच से बड़ी संख्या है तो उसके पहले वाले में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, पाँच से छोटी है तो उसको इग्नोर कर देगा, एंड सो ऑन।